गाइस अक्सर हमने सुना है कि भगवान की अदालत में सबका हिसाब होता है, लेकिन अगर वही भगवान खुद अदालत में खड़े हो जाएं तो। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तहसीलदार कोर्ट ने भगवान शंकर समेत 10 लोगों को नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि सुनवाई में नहीं आने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा और कब्जे वाली जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ की एक महिला ने कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें शिव मंदिर समेत कई लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी किसी का भी नाम नहीं है, बल्कि शिव मंदिर यानी कि भगवान शंकर का नाम है। मतलब कि भोलेनाथ पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। गाइस सोचिए, वो भगवान जो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, लोगों ने आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी जिसने साउथ इंडियन इंडस्ट्री की काया पलट करके रख दी थी, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ऐसी मूवी को बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। पहला जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम को लोग ज्यादातर उनके एक्शन के लिए पसंद करते हैं और इसलिए जॉन इब्राहिम को बाहुबली का रोल ऑफर किया गया था। यही नहीं, SS राजामौली ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट भी भेजी थी, लेकिन जॉन इब्राहिम की तरफ से कुछ रिस्पांस ना आने के कारण उन्हें ये रोल नहीं मिल पाया। दूसरा ऋतिक रोशन। इस मूवी के लिए ऋतिक रोशन को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन राजामौली जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो कभी भी फिल्म की कहानी पूरी नहीं सुनाते हैं जब तक कि मूवी का एक्टर उस फिल्म के लिए राजी ना हो जाए। इसलिए राजामौली ने ऋतिक रोशन को फिल्म की पूरी कहानी नहीं सुनाई और इसी कारण ऋतिक रोशन ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन गाइस आपको क्या लगता है कि अगर ऋतिक रोशन या जॉन इब्राहिम प्रभास की जगह बतौर एक्टर होते तो क्या ये मूवी उतना अच्छा कर पाती जितनी ब्लॉकबस्टर आज है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।